स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पांचवां संस्करण 2017 में शुरू किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देश भर के छात्रों को। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 में देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। हम सभी का सौभाग्य है आज की इस भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल के हम सभी को संबोधित करने के लिए आज यहां पधारे हुए हैं। देश की नई पीढ़ी के अंदर नवाचार, इनोवेशन, आगे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, समस्या की आधार पे खोज, अनुसंधान, इसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री सदैव आग्रही रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथन की ये 5th एडिशन है। पिछले दिनों में 29,000 प्रॉब्लम्स पेपर में 2,00,000 विद्यार्थियों की आवेदन के ऊपर आज प्रत्यक्ष सुबह से 2,000 टोली में 75 स्थानों में 15,000 विद्यार्थी, जिसमें पहली बार एक स्कूल सेक्शन भी शुरू किया गया है। ऐसे एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए लगभग 476 विषयों में भारत की व्यवस्था में सरकार की 53 विभाग में 53 विभाग में से 476 विषयों पे देश की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे यह अपना विचार, अपने इनोवेशन की काम पे जुड़ी है। मित्रों, देश जब आज़ादी की 75 साल पूरा करके अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, अमृत काल में शायद ये पहला इनोवेटिव तरीके से आउट ऑफ बॉक्स कॉम्पिटेटिव मोड की ये हैकाथॉन है। मैं सभी को इस हैकाथॉन पे स्वागत करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश भर की चुनिंदे टोलियों के साथ, ग्रुप के साथ, विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मैं एक ही विषय याद कराता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आह्वान किया है। ये तब संभव होगा जब देश की नई पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करेगा। आज आपने स्वीकार किया है, आप सभी को शुभेच्छा, सभी को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने देश में कर्तव्य बोध के बारे में सबको आह्वान किया। आपने देश बनाने की कर्तव्य, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कर्तव्य आपने जिम्मेवारी उठाई है। हम सभी को पुनः बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करता हूं केरल की विद्यार्थी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना चर्चा शुरू करें, संवाद शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। केरल की टीम को कौन है? नमस्ते, क्या नाम है? माय नेम इज सन्निधि। सन्निधि, अच्छा सन्निधि, आई एम टोल्ड that your team is working on developing an app for translation of inscriptions on the walls of our ancient temples. This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 6 Pixels, an all-girls team from RV College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन टेंपल्स एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू देवनागरी स्क्रिप्ट. दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन एंड फॉल्स अंडर द थीम हेरिटेज एंड कल्चर. इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्ट हेरिटेज एंड कल्चर. Our country is the mother of democracies. We have democratic traditions going back to thousands of years. For example, the democratic way of decision making in Chola Empire is described in the Uttara Merur inscription. This inscription had details about how these decision making bodies were formed. All the representatives of the society were a part of this decision making body. There is an even older inscription from the Pandya Kingdom, which had details about the high moral and ethical standards required for the members of these decision-making bodies. There are several such inscriptions spread across the country, found on walls of forts, temples, and stone monuments. These inscriptions are written on copper plates and stone monuments. Understanding these inscriptions become a huge challenge even for professionals, and what to speak of the common people. There are two major issues found during epigraphy. They are lack of enough resources and enough knowledge. Our theme is devising a machine learning based solution. For example, a person from Nagaland is visiting a village in Karnataka, and he gets to know about the heroism of a local leader through the inscriptions on a Veerakallu, and is admiring the beauty because he is able to relate to his leader from Nagaland. Another example is a student from Kashmir is visiting Kanchipuram, and through her phone, she's getting to know about how her ancestors lived. Our work is focused on an ancient Tamil script called Vatteluttu, which is an ancient script from 9th AD. We are developing a web-based application that will input the inscription images and give its translation into Devanagari text. To understand the nuances of our problem statement, we contacted Dr. V. Selvakumar from the Department of Epigraphy and Archaeology, Tamil University, Thanjavur. With combined effort of his research work and our team skills, we are developing a machine learning model. We are pre-processing the images and giving them into a deep learning model, which will give its corresponding Devanagari translation. We are also extending our project to an audio output. The training images used in our model are the Vatteluttu character alphabet, which is a synthetic dataset created by our team by our own. While working on the project, we realized that there are very few resources available online. We empathized with this problem and found its solution. Whatever images we get on our website, we will store them on a database online, which can be used by everyone like archaeologists and epigraphists for future research project in this field. We will not conserve what we do not value, and we will not value what we don't understand. The main aim of our project is to ensure that every Bharatiya is given the opportunity to know about his or her cultural heritage. Our project is a humble effort in response to your call from Lal Killa on the 15th of August, and we will surely work towards it. Thank you. Jai Hind. Sannidhi or aapki team, and I am told that at present you are working only on Tamil language. Yes, are you sir. Planning to expand it to other languages after this hackathon? Yes, sir, definitely. The approach followed will be same, but now for the hackathon, we are focusing on Tamil script. Chaliye, congratulations to your team. Yes, sir. Congratulations to your team. Thank you. मुझे बताया गया है कि अब मुझे तमिलनाडु में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. कौन है तमिलनाडु से? हु इज स्पीकिंग फ्रॉम तमिलनाडु? वणक्कम. वणक्कम. नमस्कार सर. सो आई एम सिरी संपगावकर एंड दिस इज माय टीम. आई एम फ्रॉम MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे. The problem statement that we have chosen is given to us by the Department of Empowerment of Persons with Disability, and our solution is a medical device. Knee-related problems arising due to disorders and diseases is very common. Currently, 25% of the Indian population is suffering from orthotic conditions.
Not only that, around 7.1% of world's children are suffering from conditions wherein the axis of the knee is deviated from the axis of the body. Medically, इनको knock knees और bow legs के नाम से जाना जाता है. It makes it really difficult for them to walk on different terrains, even performing day-to-day activities. Our solution is named as Prerak, which is a smart knee actuator. So, what Prerak does and what makes it exceptional, it is that it is minimalistic smart knee brace. It helps in offloading about 20 kgs of body weight from the knees. The two main advantages of Prerak are that it is protective. So, agar kisi ko knee ka koi problem hai, to usko to prevent from adversity of the knee problem, it helps in that. So, actuator, in our case, it is a device. Preventive. It is a preventive and it is a protective brace. So, for example, if a person with a problem is wearing the brace, and it also helps in traceability of the injury that will decrease the probability of surgical interventions. Agar kisi ko osteoarthritis ka koi problem hai, to fir unko jab bhi wo koi kaam kar rahe ho, to koi pain aayega. To fir uska us app se lena de, uska wo alert jo bheja jayega, us device se, wo app mein reflect hoga. So this solution is an integrative solution. Isme hardware aur software dono honge. Hardware is the sensors wala part and the device wala part. And the software is the app. So, jab bhi koi exercise kar raha ho, ya fir koi bhi day-to-day activities kar raha ho, aur ek pain ya kuch bhi sensation ho, to wo app pe dikhega, ek alert ke hitabit. And after that, then the person can go to a doctor. Athletes, the sports persons. Yes, sir, definitely. It is useful for fit humans as well as the person suffering from knock knees, bow knees and other disabilities. Siri, so, India's medical device market is estimated to be around 88,000 crore rupees. Yes, sir. We are importing over 70% of it. We need to be self-reliant in this sector. Yes, do sir, you feel... Your efforts will help the country in this area? Definitely, sir. That's what I was coming to. That the two major points is that whatever prototype that we are working on right now, abhi 5 din mein jo bhi kaam hoga, usme whatever materials and components that we need are easily available from the Indian market. So, Atmanirbhar Bharat ka jo bhi ek criteria hai, wo yahi pe fulfill ho jayega. And even in the future, when we have to scale up, we don't have to export anything. Every material is obtained in India itself. Chaliye Siri, aapko team ko bahut bahut badhai. Bahut badhiya bata rahi aap log. Mujhe bataya gaya hai ki ab mujhe Gujarat mein upasthit team ke saath baat karni hai. Yes, sir. Namaste, Honorable Prime Minister. Namaste. Modi ji, and namaste one and all. The adage, every problem has a solution. Kya shubh naam aapka? It's the guiding mantra. So we are tech pupils comprising of myself, Viraj Marathe, and my teammate, Janvi Joshi. We are students of Standard 7th, and we study at Dr. K.B. Hedgeva Vidya Mandir Karapurte, Sakli Goa. Our mentor is teacher Mrs. Milan Patil. We are the winners of SIS Junior Category 2022, which was organized on 12th August, and we have prepared a mobile gaming application for dementia patients. Now, what is dementia? It is a term used to describe a group of symptoms affecting memory, thinking, and social abilities severely enough to interfere with one's daily life. In India, more than 4 million people have some form of dementia. Unfortunately, only 1 in 10 people get some form of diagnosis, treatment or care, since there is very little awareness regarding dementia in our society. My parents are doctors, so after interacting with them, I realized that dementia is a global health issue with multiple problems faced by both dementia patients and their caregivers. I've been learning programming and robotics since standard 2nd, and I'm currently pursuing my software diploma course and web development master's course.
I have been always keen to solve society's problem with my programming knowledge. So when Smart India Hackathon 2022 was announced, I decided to team up with my friend Janvi and our mentor Mrs. Milan Patil to design a solution. Our mentor worked on researching on the desired data and information, while Janvi here worked on the aesthetics and designing of the app. So we all together have created an app, AgeCam, which will help dementia patients in different ways. Now let me elaborate on AgeCam. The app menu consists of mental well-being, physical well-being, and multiple other functions. In mental well-being, we have incorporated reminiscence therapy, which is the mainstay of dementia treatment. It involves the discussion of previous events and activities with props such as photographs, videos, etc. Our app has art therapy, games, music, and video, which will help cause cognitive and behavioral improvement and provide an outlet for self-expression. The hyperlocal communication system, diary, daily prarthana, and wellness quotient modules of our app will help keep a positive frame of mind. Our app also has modules for yoga and meditation, which will help improve the function of brain parts that control mood, memory, and attention. If the patient forgets to take the medicine, are you in touch with any yoga institute, Viraj? What, sir? Are you in touch with any yoga institution? So I talked with a yoga expert for putting some yoga asanas related to old age and all. So if the dementia patient loses track of his phone or forgets to take the medicine, our alarm system, which is built using Arduino, can be used to alert them and remind them to contact their caregiver. We have made a provision to control the patient's app with a separate caregiver's application remotely. Our app is minimalistic and simple, and it's a light app, which means it does not need or use a lot of RAM and CPU power. People who are not well-versed with mobile applications can also access it effortlessly. Our app is fully functional and can be utilized for any dementia patient. Our USP is that we have created two different applications for the dementia patients and caregivers, as well as keeping in mind the difficulties faced by both of them. We would like to express our gratitude towards everybody associated with Smart India Hackathon for providing a platform and an opportunity to even rural students like us. I would like to conclude with a quote from Sant Jnaneshwar. Duritan se timira jao, Vishwa swadharme surye pao, Jo je vanchila to te lao, Prani jata. Which means, may the darkness of ignorance disappear, may the universe see the sun of self-consciousness, and may the aspirations of all living beings be fulfilled. Dhanyavad. Janvi, would you like to add anything? I want to show app. Well, it is very difficult to see, but I will talk to my team that they will get it and they will show me. Okay, sir. Okay, congratulations to your young team. थैंक यू सर. आइए अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं. प्रणाम सर, मैं हूं अनिमेश मिश्रा, टीम डेटा ग्लैन से, और हम हैं BIT मिश्रा रांची से. हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट डीप लर्निंग बेस्ड साइक्लोन इंटेंसिटी एस्टिमेशन फ्रॉम इनसैट 3D IR. अनिमेश, आप है कहां से? मैं हूं BIT मिश्रा रांची, झारखंड. तो हम सभी जानते हैं कि साइक्लोन जो है काफी क्षति पहुंचाती है मैनकाइंड को. इसको ठीक, ताकि इसकी क्षति कम हो, हमें इसी अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम की सख्त आवश्यकता है. हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से. डीप लर्निंग इज एक्चुअली अ टेक्निक इन विच वी मिमिक अ ह्यूमन ब्रेन. इट वी आर यूजिंग डीप लर्निंग to actually generate all the features and patterns of cyclones and then use it for our prediction. Our model works and outperforms most of the state-of-the-art techniques. What we are doing is, we are taking some ready satellite images and mapping, using deep learning, we are mapping these satellite images with their corresponding intensities. With this application, with this process, what we are doing is, we can
actually we can actually estimate what would be the maximum impact of these cyclones so that we can take early action. What could be the, where could be the landfall, where, what would be the trajectory of cyclones, and what would be the destruction that would be caused by these cyclones. And this would, could easily be early predicted and be used by other animes. आप जो इस पर काम कर रहे हैं, एक तो कब से काम कर रहे हैं, अब तक कितने साइक्लोन को मॉनिटर किया है और एक्यूरेसी का लेवल क्या है? जी सर, बिल्कुल. हमने साइक्लोन जो है, सिंस हमने इनसैट 3D डेटा से ले रहे हैं, तो हमने उन साइक्लोन्स को लिया है जो 2014 के बाद इंडियन कोस्ट लाइन को हिट कर रहे हैं. एंड हमारा जो एक्यूरेसी है वो 89% के आसपास है सर. अच्छा अनिमेश, क्या आपके एल्गोरिदम के लिए आपको पर्याप्त डेटा मिल गया है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली बिना डेटा तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. जी सर, बिल्कुल. हमें डेटा थोड़ा कम मिला है, बट सर हमने और तकनीकी यूज़ की है ताकि इन कम डेटा में भी हम पर्याप्त आउटपुट दे सकें और एक्यूरेसी दे सकें. सर इसके अलावा हमने एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप किया है, तो जिसमें कि हम सारे उन फीचर्स को दिखा रहे हैं साइक्लोन के जो ज़रूरी हैं, एंड जो देखकर जो जिसकी फोरकास्टिंग के मदद से इन बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके सर. एंड उसके अतिरिक्त हम साइक्लोन की पाथ बताते हैं और कहाँ ट्रेजेक्ट्री हो रही है साइक्लोन की, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस वेबसाइट पर देते हैं. इसके अलावा हम विंड पैटर्न्स के बारे में भी बताते हैं उस वेबसाइट पर. चलिए अनिमेश, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई. मुझे बताया गया है कि अब मुझे पश्चिम बंगाल में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. थैंक यू. नमस्ते प्रधानमंत्री महोदय. नमस्ते प्रियांश. अच्छा, दीघापुर सेंटर पर आप एक सिस्टम बना रहे हैं ऐसा मुझे बताया गया, जिसमें पुलिस रेडियो सेट पर ही मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसफर हो जाएगा. ऐसा हुआ तो पुलिस के संचार में एक नया आयाम जुड़ेगा. आप लोग कैसे इस पर काम कर रहे हैं, जरा समझाइए. जी सर, इट वुड बी एन ऑनर टू शेयर आवर प्रोजेक्ट विद यू. आई एम प्रियांश दीवान फ्रॉम टीम सर्वज्ञ एंड वी आर फ्रॉम VIT भोपाल यूनिवर्सिटी. Our problem statement was given by a police department to enable transmission of multimedia data, that is images and videos, through radio waves. As we know that there are lakhs of radio handsets currently deployed in the field, but the limitation to them is that they only enable voice through their voice transmission. Most of the images and videos transmitted by a police institution are done on foreign third-party applications, which comes their own security and privacy issues. Also, neither these apps are made nor their server are maintained indigenously. Our project aims to develop a secure interface through which we can transfer videos and images through radio waves without the support of internet from one point to another. Hence, making. अच्छा ये बताइए प्रियांश कि क्या आपका ये मॉडल सेना और सीमाओं पर भी इस्तेमाल हो सकता है क्या, बॉर्डर एरियाज में? जी सर, इसमें इंक्रिप्शन हम यूज करते हैं, जिससे जो डेटा आप ट्रांसमिट करेंगे वो इंक्रिप्टेड रहेगा. तो सेंसिटिव एरियाज जहां इवन सिग्नल इंटरसेप्ट होने के चांसेस भी हैं, वहां भी ये इजीली डिप्लॉयबल है. तो बिल्कुल सर, ये बॉर्डर एरियाज में भी हमारा हेल्प करेगा. देखिए, जितना मैं समझा आपने बताया, आप अभी तो सिर्फ शायद इमेज ट्रांसफर पर काम कर रहे हैं. क्या ये संभव है कि आप इसे विस्तार देकर छोटे छोटे वीडियो ट्रांसफर तक भी ले जाएं? क्या आप लोग इस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं क्या? जी सर, हम इस विकल्प पर विचार ही नहीं बल्कि काम भी कर रहे हैं. वीडियोस और इमेजेस ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पर वीडियोस में आपको हर एक फ्रेम को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कंप्रेस करना पड़ता है. हम उस पर काम कर रहे हैं और हम ये एम करते हैं कि कल इस हैकाथॉन के खत्म होने से पहले हम वीडियो ट्रांसमिशन भी इनेबल कर पाए. वाह, तो आपकी टीम बहुत स्पीडी काम करती है. यस सर. चलिए बधाई है आपको. अच्छा, मुझे बताया गया है कि अब मुझे असम में मौजूदा टीम के साथ बात करनी है. जय हिंद प्रधानमंत्री जी. नमस्ते जी. मेरा नाम नितेश पांडे है. मैं AKGEC गाजियाबाद का छात्र हूँ और मैं टीम आइडियल बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी गई है वह यह है कि ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए हमें IPR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है. पूरी दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव और इनोवेटिव कंट्री माना जाता है.
हमारे देश की रिसर्च रैंकिंग टॉप 10 में आती है, परंतु ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर हैं। प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हमारे देश के 65% रिसर्चर केवल आईपीआर फाइलिंग प्रोसेस को जानते हैं। ऐसा करिए नितेश, मुझे आप अभी जिस पर काम कर रहे हैं उसके लिए बताइए, पूरा एनालिसिस तो बाद में देख लेंगे। हाँ सर, तो हम जो ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए हम एक पूरा ऐप बना रहे हैं, जिसमें हम जो टीडीएस प्रोसेस ऑफ फाइलिंग आईपीआर है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि सर ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो एक छोटा जो एक ग्रास रूट इनोवेटर है वो उसको आसानी से फाइल नहीं कर पाता है। तो हम अपने ऐप के थ्रू अपने कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उनके जो आपके उत्पाद है, आपके प्रॉपर्टी है, विस्तार से बताइए कि आपके ऐप से कैसे इन इनोवेटर्स को मदद मिलेगी, जो यूजर है उसको कैसे मदद मिलेगी। सर जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम एक पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, तो पहले क्या होता है कि आपको तो ये नहीं पता होता कि पेटेंट, पहले तो उसके बारे में जानना होता है। तो हम अपने ऐप के थ्रू पहले तो उन्हें सिखाएंगे कि हाँ पेटेंट क्या होता है, उसे आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद जो उसकी प्रोसेस है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स जो होते हैं उन्हें फाइल करने के, तो हम उसे उनको पहले तो गाइड करेंगे, और जो फॉर्म की जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ई फॉर्म्स के थ्रू, तो उसमें वो आसानी से फिल करके फॉर्म्स प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डाउट आता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने उसका भी एक सॉल्यूशन दे रखा है कि आप पर्टिकुलर टाइप के एजेंट्स और लोग हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्यूट कर सकते हैं। चलिए, आसाम आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर मदद कर रहे हैं आप। आइए अब हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, कौन है उत्तर प्रदेश में? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते अंशित, मुझे बताया गया कि आप लोग क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग और प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हैं, जरा समझाइए भाई क्या है। तो सर मैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी से हूं और मैं टीम आईरिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दी गई है और उसका टाइटल है क्राइम हॉटस्पॉट प्रिडिक्शन एंड मैपिंग। इस प्रॉब्लम से हम एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स मैप पर ये देख पाएं कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जान के पुलिस ऑफिसर्स बेटर अप्रोचेस ला पाएंगे, जिससे कि वो इन क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज पे क्राइम्स रिड्यूस कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए जो सबसे पहले हमारे को दिक्कत फेस हुई थी वो ये थी कि हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए हमने एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट किया। तो हमारे को जो डेटा मिला वो शिकागो शहर का था, जो कि यूएसए में है। हमने उस डेटा सेट को उठा के दिल्ली के ऊपर सुपर इम्पोज करा और उसके बाद हमने रिसर्च करी कि इंडिया में जो क्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेशियो क्या है। तो हमारे को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन थी, तो हमने 2019 की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हुए अपने डेटा सेट में ये डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर दी। ये डेटा सेट रेडी करने के बाद हमने डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लोर करे और फाइनली हमने देखा कि हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का प्रयोग करेंगे। हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करा। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स बेसिकली ये होते हैं कि जब बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं तो उसमें कैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स को एनालाइज करें जिससे कि डिफरेंट क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएं। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम में भी यही है कि हमारे पास बहुत सारे क्रिमिनल डेटा की लोकेशंस हैं एंड उसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्राइम हॉटस्पॉट हो सकता है। अच्छा अंशित, ये जो आपका मॉडल है वो कितना फ्लेक्सिबल है, क्या आप इसे और बेहतर बना सकते हैं जिससे अपराधियों के बारे में और तेजी से जानकारी मिल सके? दूसरा, ये ड्रग की जो दुनिया है जो हमारी युवा पीढ़ी तक बहुत तेजी से ट्रैवल कर जाती है, वो क्राइम का एक अलग ही रूप है, उन चीजों तक जाने की संभावनाएं हैं इसमें?
सर, हमने शुरू से ही अपना जो मॉडल बनाया है उसमें ध्यान रखा है कि हमारा मॉडल हर तरीके की जगहों का ध्यान रख सके। तो हमारा मॉडल बहुत स्केलेबल है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत एरियाज हैं जो कि रूरल हैं और सिटी के भी एरियाज हैं, तो हमारे मॉडल को इस सबसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे मॉडल को जिस तरीके का डेटा सेट दिया जाएगा, जिस तरीके का क्रिमिनल डेटा सेट दिया जाएगा, उस बेसिस पे वो उस एरिया पे प्रिडिक्शंस कर पाएगा और क्राइम हॉटस्पॉट दिखा पाएगा। अंशित, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आइए हम पंजाब चलते हैं। नमस्कार आदरणीय सर। नमस्ते सर, मेरा नाम हरमन ज्योत सिंह है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और जोधमल पब्लिक स्कूल जम्मू में पढ़ता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फुल स्टैक डेवलपर, ओलंपियाड मेडलिस्ट, MIT USA एपथॉन का विनर और एक स्टेम एंथुजियास्ट भी हूँ। मैं इस साल के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर एडिशन का विनर भी हूँ। सर, बेस्ड अपॉन माई रिसर्च आई डेवलप दिस इनोवेटिव स्मार्ट ग्लव दैट कैन बेसिकली मॉनिटर आर रियल टाइम हेल्थ वाइटर्स बेस्ड ऑन एन एडवांस टेक्नोलॉजी कॉल्ड एस इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। इट यूजेस 7 स्मार्ट कॉन्टैक्टलेस एंड वायरलेस बायोमेडिकल सेंसर्स लाइक डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, फोटोप्लेथाइज्मोग्राफी ऑप्टिकल सेंसर एंड इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी सेंसर दैट हेल्प्स अस टू मॉनिटर आर हेल्थ वाइटर्स लाइक द मेंटल हेल्थ, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, इमोशन और मूड डिटेक्शन, ट्रेमर और शेकिंग इन द हैंड्स एंड बॉडी टेम्परेचर। सर, आई हैव फिटेड ऑल ऑफ दिस सेंसर्स इनसाइड अ 3D प्रिंटेड केस विच इज एम्बेडेड इन द ग्लव। दैट ऑल्सो आई गॉट डिजाइन एंड आई गॉट इट प्रिंटेड माई सेल्फ थ्रू CAD टेक्नोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सर, इनसाइड दिस ग्लव आई हैव ऑल्सो यूज द माइक्रो कंट्रोलर दैट बेसिकली कंट्रोल्स एंड रिकॉर्ड्स द डेटा फ्रॉम ऑल द सेंसर्स एंड देन सर द रिकॉर्डेड हेल्थ वाइटर्स आर ट्रांसमिटेड टू अ क्लाउड डेटाबेस यूजिंग आइदर ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन एंड देन डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन यूजिंग डेटा एनालिसिस प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स दैट आई डिजाइन माई सेल्फ। सर, आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू इम्प्लीमेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स टू फॉर्म एन इंटरनल सर्किट्री ऑफ ऑल द सेंसर्स एंड द कंपोनेंट्स दैट आई हैव यूज्ड इन द ग्लव एज मेंशन। एंड सर, माय स्मार्ट वेयरेबल ग्लव इज यूनिक बिकॉज इट इंटीग्रेट्स बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू मॉनिटर देयर हेल्थ और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय पेशेंट्स, केयर गिवर्स, फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज डॉक्टर्स फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। सर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी सो दैट। हरमन ज्योत, सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, आप विजयी हुए इसलिए मैं बधाई देता हूँ। आपके साथ आपके फैमिली के लोग हैं क्या? ये सब मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है। चलिए, मेरी उनको भी बधाई है कि वो आपको इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप इस काम को कर रहे हैं। आप टीम समीधा से भी बात करेंगे? नमस्कार सर। नमस्ते भाग्यश्री, कैसी हैं आप? I'm fine sir, how are you? What is the innovation of your team? Sir, basically we are asked to make a few smart fuel monitoring system for ships and vessels and our problem statement was given by Ministry of Ports, Shipping and Waterways. So sir, we know that 90% of the cargo transportation takes place through seaways and making it one of the largest means of cargo transportation. And as we know that statistical data shows that 250 tons of fuel is approximately used by a ship per day, making it one of the most stolen commodities in the world. So our concept, Samida, is to eradicate this discrepancies that are taking place in the current system by integrating machine learning models with satellite technologies. So what, due to the unavailability of data set, we have used the open source data set and we have synthesized that data. We have used it in predictions and analysis of that data and it's beautifully put in a graphical format in this application Samida. Samida aims to achieve unmanned maritime monitoring system. And when we mean
unmanned maritime monitoring system, it is that it provides a platform where a ship owner or a shipping organization can get access to real-time monitoring of all of the functionality of ship, like fuel and ton and cargo handled, and also distance traveled, and so on. And our aim is to get the data from pre-existing sensors and store it on the cloud, and then bring it back to the website where the prediction and analysis. Acha Bhagyashree, tell me, can we extend this smart monitoring to the other sector also? Yes, sir. We can extend it to ships, fuels, and also cars. And but then cars is also existing, pre-existing. Only ships is not that much prevalent in the market. चलिए, आपका इनोवेशन, आपका टैलेंट अमृत काल में देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा. आप सभी युवा साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर. मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा हम सभी को संबोधन करने के लिए. युवा साथियों, वाकई आप सभी इनोवेटर्स से मिलकर बात कर करके मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसे नए नए विषयों को आप छू रहे हैं. आप जैसे युवा अपने कार्यों में जो नवीनता लाते हैं, जिस आत्मविश्वास से आप अपना काम करते हैं, ये मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं. तो एक प्रकार से आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं. तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बेहतरीन उदाहरण बन चुका है. और साथियों, इस बार का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है. अब से कुछ दिन पहले ही हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं. आजादी के 100 वर्ष होने पर हमारा देश कैसा होगा, इसे लेकर देश बड़े संकल्पों पर काम कर रहा है. इन संकल्पों की पूर्ति के लिए जय अनुसंधान, इसके उद्घोष के ध्वजावाहक आप इनोवेटर्स हैं. अमृत काल का ये 25 वर्ष का टाइम पीरियड आपके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं लेकर आया है. ये संभावनाएं और ये संकल्प सीधे सीधे आपके करियर ग्रोथ से भी जुड़े हैं. अगले 25 वर्ष में आप युवाओं की सफलता भारत की सफलता को तय करेगी. इसलिए मैं आप सभी को लेकर बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं. हिंदुस्तान गर्व करता है आप पर. आप सभी का इनोवेटिव माइंडसेट आने वाले 25 वर्षों में भारत को टॉप पर पहुंचाएगा. आप सभी पर मेरे इस विश्वास की ठोस वजह भी है. साथियों, इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से कहा कि भारत में कितनी बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आज विकसित हो रही है, विस्तार हो रहा है. इस अमृत काल में ये एस्पिरेशनल सोसाइटी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगी. इसकी अपेक्षाएं, इसकी उम्मीदें, इससे जुड़े हुए चैलेंजेस आपके लिए बहुत सारे नए अवसर लेकर आएंगे. साथियों, आप सभी ने अपनी शिक्षा के शुरुआती दौर में पढ़ा होगा कि 60-70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था. भारत के किसानों ने अपना सामर्थ्य दिखाया और हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया.
लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में देश एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है, भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। आप जैसे युवा खेती और हेल्थ सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नए सॉल्यूशंस पर काम कर सकते हैं। अपने सिंचाई के उपकरणों को, सिंचाई के नेटवर्क को हम स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, इसमें भी बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, आज देश के गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज गति से चल रहा है। आपने ये भी देखा है कि अब भारत में 5G लॉन्च हो रहा है। इस दशक के अंत तक हम 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गेमिंग और एंटरटेनमेंट में भी भारतीय सॉल्यूशंस को सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इन सारे नए सेक्टर्स पर सरकार जिस प्रकार निवेश कर रही है, जैसे उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, उसका लाभ आप सब नौजवानों को जरूर उठाना चाहिए। और साथियों, आपको एक बात और याद रखनी है, दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनकी समस्याएं भारत जैसी ही है, लेकिन वहां उन समस्याओं को डील करने के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप की संभावनाएं सीमित है। भारत के इनोवेशन दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, सिक्योर और बड़े स्केल पर लागू होने वाले समाधान देते हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें भारत में हैं, आप जैसे युवाओं से हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिक्षा जगत के दिग्गज पॉलिसी मेकर्स भी जुड़े हुए हैं। भारत में इनोवेशन का कल्चर बढ़ाने के लिए हमें दो बातों पर निरंतर ध्यान देना होगा, सोशल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्राइज को लेकर समाज में बदलाव दिखने लगा है। हम करियर बनाने के पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमाने लगे हैं, यानी समाज में इनोवेशन एज ए प्रोफेशन, इसकी स्वीकृति बढ़ रही है। ऐसे में हमें नए आइडियाज और ओरिजिनल थिंकिंग को भी स्वीकृति देनी होगी, सम्मान देना होगा। रिसर्च और इनोवेशन को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाना होगा। साथियों,
रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनोवेशन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने का रोड मैप है। अटल इंक्यूबेशन मिशन के तहत स्थापित हो रही अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। देश में आई क्रिएट जैसी संस्थाएं भी सफलता के साथ काम कर रही हैं, जो अब तक 500 से ज्यादा स्टार्टअप को सपोर्ट कर चुकी है। साथियों, 21वीं सदी का आज का भारत अपने युवाओं पर भरपूर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। पिछले 8 वर्षों में पेटेंट की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। यूनिकॉर्न की गिनती भी 100 के पार चली गई है। हम इसमें यकीन नहीं रखते हैं कि सिर्फ सरकार के पास ही समस्याओं का समाधान है। आप देखिए, मैंने तो सरकार को आपके पास लेके आया हूं, सरकार की इन समस्याओं का मेरे नौजवान सॉल्यूशन दे, और आप दे रहे हैं। आपके सामर्थ्य को मैं भली भांति समझता हूं। आज की यंग जनरेशन ज्यादा तेज और स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ आगे आ रही है। इस हैकेथॉन के आयोजन के पीछे एक मकसद ये भी है कि सरकार की जिन समस्याओं का समाधान चाहती है, उसे यहां देश भर से आए मेरे नौजवान साथी समस्या को समझे, समस्या के कारणों को समझे और समस्या से मुक्ति का रास्ता भी ढूंढे। युवा इसे सॉल्व करे, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोलैबोरेशन की ऐसी ही स्पिरिट, सबका प्रयास की ये भावना विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनोवेशन के इस दिए को ऐसे ही प्रज्वलित करते रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके परिश्रम को, आपके प्रयासों को सरकार का निरंतर साथ मिलेगा। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को, वैसे आपके पास इतना सारा कहने को है, आप लोगों ने घंटों अपना दिमाग खपाया है, आपको सुनना ये भी मेरे लिए अपने आप में बहुत कुछ सीखने का कारण बनता है। आप में से बहुतों के पास बहुत कुछ है, मैं सबको नहीं सुन पाया। कुछ ही प्रतिनिधि तौर पर कुछ नौजवानों से बात की, जिनसे बात नहीं हुई है उनका भी काम कम नहीं है, उनका प्रयास कम नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पूरा ब्रीफिंग लूंगा और आप लोगों ने जो काम किया है उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा। अच्छा होता, समय ज्यादा होता तो मैं आपसे भी बात करता, लेकिन जिनसे बात नहीं हुई है उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर एक बार आप सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सरकार के काम में, सरकार साथ खड़े होकर के जनता की भलाई के इस अभियान में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। आपको शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद।